अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, मुझसे व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में काफ़ी एक सवाल पूछा जाता है कि भाई यूपीवीसी विंडो और जो एल्युमिनियम की विंडो होती है, तो इनमें से अच्छी कौन सी है और डिफरेंट कौन सी है, किसका ज़्यादा फ़ायदा है? तो मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना दूँ छोटी सी, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो देखें, पहले बात करते हैं यूपीवीसी की। यूपीवीसी की विंडो ठीक है, अच्छी है। इसमें जो ओपनेबल आती है पल्लों वाली, जो डोर की तरह खुलती है बाहर की तरफ, तो काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी हुई है। उनका लॉक भी अच्छे हैं, एयर टाइट भी ठीक होती है। तो जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में मुझे कुछ इतनी खास नहीं वो लगती है। स्लाइडिंग उसकी जो है वो इतनी कामयाब भी नहीं हुई, तो लोगों ने स्लाइडिंग की जगह ज़्यादातर वही ओपनेबल लगवानी शुरू की हुई है। आपने ज़्यादातर घरों में देखा होगा। तो अगर बात करें यूपीवीसी की, कि आप यूपीवीसी को चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर कि कुछ अरसे बाद उसका कलर चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, वो पाउडर कोडिंग नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर पेंट भी नहीं ठहरेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ट्राई तो नहीं की मैंने पेंट की, जो लोकल पेंट होता, दूसरा जो ऑयल पेंट होता है। तो और अगर आप उसको छोटा करके कहीं और लगवाना चाहते हैं, तो तब भी वो मुश्किल है, क्योंकि आम बाहर आप देख लें तो उसका वो जो फैब्रिकेटर है वो आपको नहीं मिलेगा। जिस कंपनी से आपने काम करवाया तो वो कंपनी ही करेगी, तो मेरा ख्याल है कि उसको नखरे भी बहुत करेगी पुराने काम में करने के लिए, तो वो यही कहेगी कि आप नए लगवाएं। तो इसके अलावा उसमें अगर फॉल्ट यानी कि आ जाता है कोई, जैसे कि उसकी जाली फट जाती है, तो आम बंदा तो जाली चेंज कर ही नहीं सकता। जैसे कि मैं फैब्रिकेटर हूँ, एल्युमिनियम का काम करता हूँ, अगर कहूँगा चलें भी मैं तो एल्युमिनियम की जाली प्रेस कर सकता हूँ, तो इसकी भी मैं कर लूँगा, वो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसका जो तरीका है थोड़ा और है। वो ऐसे उसकी साइड में आकर जो होती है स्लाइड, जाली जो होती है वो बेंड होती है, बंद होती है स्लाइड होकर। और दूसरा, अगर उसका कोई लॉक टूट जाए, तो वो आपको मार्केट से मिलेगा ही नहीं, लोकल किसी भी शॉप से आपको उसका जो लॉक वगैरह है, कोई भी चीज़ है, वो आपको नहीं मिलेगी। जो उसकी स्टे वो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे एक बार चाहिए थी, तो मैंने तकरीबन पूरा बिटन रोड, प्रांत रोड जो भी है शॉप्स हैं, हमारा गाजी रोड है, कालजी रोड है, सबसे रब्ता किया, पता किया, मुझे कहीं से भी उसका हार्डवेयर नहीं मिला। क्योंकि ये जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, ये खुद अपना ही माल चाइना से इम्पोर्ट करती हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का ये आपको बड़ा बेनिफिट है कि आप विंडो लगवाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, 15 साल गुजर जाते हैं, अब घर के पेंट वगैरह दोबारा करवाते हैं, अब सोचते हैं कि भाई मैंने अब कलर चेंज करवाना है, तो आप उसको उतरवाएं, उसको कोई भी कलर करवा लें, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का ये बड़ा फ़ायदा है कि वो पाउडर कोटेड आराम से हो जाएगा, जैसे ही वो पाउडर कोटेड होती हैं वो बिल्कुल 0 मीटर हो जाती हैं, नई हो जाती हैं, अगर मटेरियल अच्छा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 0.9 का लगा है तो आप सोचें मैं 10 साल उतरवा के उसको दोबारा पेंट करवा लूँगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो गल गई होंगी या ख़राब हो गई होंगी, सेक्शन टेढ़े हो गए होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 0.9 की आपको हालत थोड़ी सी दिखाऊँ कि जो थोड़ा सा साल गुजरता है तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो और दूसरा, उसका फैब्रिकेशन का आप चाहते हैं कि काट के मैं छोटी करके लगवा दूँ, तो कहीं से कोई आदमी पकड़ें तो वो आपको उसी टाइम काट के घंटे दो में काट के बना देगा। तो इसके ये बड़े बेनिफिट हैं। व्हील ख़राब हो जाए किसी भी शॉप से, कि आपका कोई भी इलाका हो, आपको आराम से इसकी हार्डवेयर की शॉप से व्हील मिल जाएंगे, रबटे मिल जाएंगे, इसके जाली है, आम बंदा कोई भी कोई हेल्पर है वो भी प्रेस कर लेगा, तरीका मैंने आपको बताया भी हुआ अपनी वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यानी कि एल्युमिनियम में ये प्रॉब्लम नहीं आती, और लाइफ भी तकरीबन ठीक है, अच्छी है। एल्युमिनियम के तो सब जानते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी देर से चल रहा है। यूपीवीसी पहले भी एक बार आया था, ऐसे कोई 14-15 साल पहले की बात है, तब हमारा एक दोस्त है, तो उसने घर में लगवाई थी विंडो, स्लाइडिंग लगवाई थी, तब ओपनेबल उसने नहीं लगवाई थी, ओपनेबल का रवाज भी नहीं था यूपीवीसी में, तो वो काफ़ी अपसेट था इसमें, कहता है यार मुझे मज़ा नहीं आता इसकी रनिंग का, जो स्लाइडिंग विंडो है वो रनिंग में अच्छी नहीं है। तो और भी उसने दो कंप्लेनें की हैं। खैर, मैं ये नहीं कहता कि यूपीवीसी बहुत बुरा है, यूपीवीसी भी अच्छा है, बाहर भी चलता है, दुबई भी लग रहा है। यूपीवीसी भी में कलर, काफ़ी कलर आ चुके हैं, इसमें आप वुडन लगवा लें, वाइल्ड लगवा लें, आपको मिल जाएगा।
और लेकिन जो डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया इसमें कि इन चीज़ों का फ़र्क है। रेट रेट यूपीवीसी का ज़्यादा होगा एल्युमिनियम का काम में। और दूसरी बात, काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप हमें बता, कहते हैं कि चावला सबसे अच्छा है, प्राइम सबसे अच्छा है, या तो जो मेन बड़ी कंपनी है वो यही दो हैं जो हाई लेवल पर जा रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम किसी को कहते हैं कि भैया हमें प्राइम की विंडो बना कर दे, तो हमारे घर में वो विंडो बना कर ले आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्राइम की विंडो है, ये चावला की विंडो है, या पाकिस्तान एल्को की विंडो है, या अल्फाता की विंडो है, ये अच्छी कंपनी है? तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेक्शन आपको नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपको देखें ये स्टैम्पें मिल लगी होती हैं, ये लेज़र स्टैम्प होती है, तो ये एक जो लाइन आती है चाहे 18 फुट की हो, 16 फुट की हो, 14 फुट की हो, उसके ऊपर ये स्टैम्प लगी होती है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन कंपनी वालों के, अगर कोई कंपनी वाला बंदा मेरी वीडियो देखेगा तो शायद वो ऐसा सोचे, मैं चाहता हूँ कि जो स्टैम्प लगी है इसके साथ वो आगे मेंशन करें कि ये जो आप मटेरियल लगा रही हैं कितने एमएम का है, 1.2 एमएम का है कि 1.6 एमएम का है और 2 एमएम का जो भी है साथ मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी कंपनी का नाम जो है मोना है वो लगा रहे हैं। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हैं कि हम ये जो लगा रहे हैं ये पाकिस्तान एल्को है, चावला है, या प्राइम है, ये देखें ये स्टैम्प पे हैं, ठीक है। और काफ़ी दोस्त मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई हम हमें रेट दें, हमने काम करवाना है, तो मुझे मालूम होता है कि ये जो हमसे रेट मांग रहे हैं ज़्यादातर तो इन्होंने काम नहीं करवाना, तो सिर्फ रेट ही लेना है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ विंडो जो रेगुलर हमारे घरों में लगती हैं तो उस पर मैंने 1.2 एमएम और 1.6 एमएम का रेट है वो मेंशन किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो मेरी, तो उस पर आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए करेगा कि हम जो विंडो बनवाना चाहते हैं वो इतने तक बनेंगी और क्या उसकी कॉस्ट आएगी, और इस तरह आपको अंदाज़ा हो सकता है। हाँ, कुछ साइज़ों का फ़र्क हो सकता है, कोई किसी का साइज़ 1-2 आधे फुट का फ़र्क हो, लेकिन बाद में जब टोटल मेजरमेंट होती है तो इतना फ़र्क नहीं आता। और ये जो मैं उसमें जो मैंने रेट बताए हुए हैं वो आप किसी भी शॉप से करवाएंगे तो वो आपसे कोई, यानी कि 10-15 रुपये जो हैं वो नीचे हो सकते हैं या ऊपर हो सकते हैं, तो क्योंकि हर बंदे का थोड़ा सा अपना रेट होता है। तो एक और मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भाई हम मटेरियल कौन सा लगवाएं, मैंने इस पर भी आपको वीडियो बना के दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। असल में जो ये मेरा चैनल है मैंने बनाया था कि जो मैं लड़कों को सिखाऊं कि जो काम होता है वो कैसे होता है, तो जो शागिर्द लोग हैं जो टाइम ज़ाया करते हैं अपना बहुत ज़्यादा दुकानों पर ही, मेरा चैनल उनके लिए है। तो मैंने फिर भी जो दोस्त काफ़ी ऐसे मेरे पास आते हैं जो घर बनवा रहे हैं उनके लिए भी मैंने कुछ ही वीडियो बना दी हुई हैं, तो इसके अलावा इंशाल्लाह मेरी एक वीडियो इसके बाद मेरी आएगी कि जिसमें मैं जो डबल ए सेक्शन होता है इसका जो पल्लों का साइज़ होता है वो कैसे निकालते हैं, इंशाल्लाह मैं वो अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह वही होगी, क्योंकि उस पर के बारे में भी मुझसे काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, तो वैसे तो मैंने उनको बता दिया है व्हाट्सएप पर कि भाई इतना माइनस होता है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी और भी दोस्त होंगे जो नहीं जानते, कल को ज़रूरत पड़ जाती है, कभी ना कभी ये काम आ ही जाता है कि ये काम कैसे होता है पता होना चाहिए, मैं इस पर भी अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो एक दोस्त है मेरा, उसने भी मेरी वीडियो देखी है, तो वो उसने घर में अपनी वीडियो जो विंडो है वो खुद बनाई है, कुछ दरवाज़े भी बनाए हैं, तो उसने अपनी कटिंग का जुगाड़ लगाया बहुत ज़बरदस्त है। मैंने उसको बोला कि भाई आप मुझे वीडियो बना, उसने वीडियो तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड की है, तो मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की मुझे वीडियो बनाकर सेंड करो ताकि मैं जो हमारे दोस्त से देखने वाले जो काम सीख रहे हैं मैं उनको दिखाऊं कि जो एक आदमी है उसको पता ही नहीं है एल्युमिनियम होता क्या है वो विंडो बना सकता है, तो अगर आप हेल्पर हैं कहीं से सीख रहे हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।